हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरानास किचन। आज मैं आपके साथ पोटैटो सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहां पे 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के मेयोनीज डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, आधा मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 1 मीडियम साइज कद्दूकस किया हुआ गाजर और आधा कप चीज डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू का मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर चीज, मेयोनीज और सॉस तीनों डाला है और इनमें पहले से ही नमक होता है। अब हम ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर आलू को अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर एक और ब्रेड लेंगे और उसको ऊपर से रख देंगे। अब हम तवा लेंगे और तवे को अच्छी तरह से गर्म करके आंच को बिल्कुल कम कर लेंगे। अब हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। अब हम ब्रेड को तवे के ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर से भी घी लगा लेंगे। इसको हम हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे सैंडविच और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। और लगभग 30 सेकंड पकाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ से भी लगभग 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। सैंडविच हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम और भी सैंडविच बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सैंडविच हमारा कितना क्रिस्पी बना है कि मुझे इसे बहुत ही आराम से काटना पड़ रहा है। पोटैटो सैंडविच की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजरानास किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।